दोस्तों 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड़ एक मास्टरपीस फोर्ट हॉरर मूवी है। ये मूवी महाराष्ट्र के तुम्बाड़ नाम से गिलेस पर बेस्ड है और मूवी का जो स्टोरी लाइन है 1917 के दौरान का था, इंडिया को स्वतंत्र होने से पहले। तो इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी 2012 में और पूरी मूवी की शूटिंग 2018 में ख़त्म किया गया था। ये मूवी को बनाने में लगभग 6 ईयर्स लग गया था। हाउस 219 सरदार पुरानदार वाले यह फोर्ट को मूवी तुम्बाड़ में दिखाया गया है। सभी सीन को इसी पैलेस को डेकोरेट करके शूट करी गई थी और मूवी के शूटिंग के लिए इस फोर्ट को रेंट पर लिया गया था। दोस्तों मूवी तुम्बाड़ में अंडरग्राउंड पे एक होम पैलेस दिखाया गया है जहां हस्तर नाम से एक राक्षस रहता था। तो मूवी के इसी सीक्वेंस को मुंबई में शूट किया गया था और इसके लिए यहां पर एक विशाल फिजिकल सेट भी बनाया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि ये सेट क्रिएट करना उतना इजी नहीं था, और भी नॉर्मल सेट जैसा। यह सेट बनाने के लिए मूवी के प्रोडक्शन एंड डिज़ाइनर नितिन जाहिन को बहुत सारे प्लानिंग करनी पड़ी। आपको बता दूं कि इसी सेट के लिए जो डिज़ाइन बनाया गया था महाबालेश्वर में कृष्णा टेम्पल जैसा है, और कह सकते हैं कृष्णा टेम्पल की एक झलक यहां तैयार किया गया था। तो मूवी के रिकॉर्डिंग वाइज पहले यहां कुआं बनाई गई और उसी कुएं के नीचे एक बड़ा टनल बनाया गया है। उसके बाद एक टेम्पल एरिया आता है जो एग्जैक्ट कृष्णा टेम्पल जैसा था। इसके बाद टेम्पल के अंदर एक गर्भगृह तैयार की गई थी और वहां पर एक बॉक्स भी था, और उसी बॉक्स के अंदर से और भी एक विशाल टनल आते हैं ये जगह पर जहां राक्षस हस्तर रहता था। तो पूरा सेट में सिर्फ उसी जगह को क्रिएट करने में लगभग 7000 स्क्वायर फीट की एक विशाल सेट तैयार किया गया था। लेकिन ये वाला सेट को क्रिएट करने में एक बड़ा चैलेंज था, ये कि पूरा सेट को सॉफ्ट बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ ऐसा एक लुक देना पड़ेगा जो हस्तर जैसा राक्षस को प्रेजेंट कर सके। शायद इसके लिए हस्तर के बॉडी का कलर ये सेट की तरह रेड है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर हस्तर के इसी प्लेस को बनाने के लिए प्यू फॉर्म मटेरियल का यूज किया गया था पूरा सेट पे, जैसा कि यहाँ ग्राउंड से ऊपर तक सभी जगह पर प्यू फॉर्म पोस्ट करके यह सेट को रेडी किया गया है, और साथ में पूरा सेट को रेड कलर के पेंट से पेंट भी करा गया था। आपको बता दूं मूवी में हस्तर के जो हार्ट दिखाई गई, एक्चुअल में यह सीन दिखाने के लिए इसी सेट की एक छोटा सा पार्ट में ऐसी एक पाइप के थ्रू पंप करा गया था जो देखने में लगता है कि कोई सांस ले रहा हो। इसके अलावा सेट के सभी जगह पे स्लाइन लगाया जाता है, इसके लिए बहुत सारे स्लाइन यहाँ मैन्युअली बनाया गया था। तो पूरा सेट की जो लुक था वो तो औसम है, लेकिन एक इतनी बढ़िया सेट क्रिएट करने के बाद भी एक प्रॉब्लम रह जाता है। यह सेट पूरी तरह से फोम से बने हुए हैं और इसके लिए यह हाईली फ्लेमेबल है। अगर कोई भी कारण आग लग जाती है तो यह सेट पूरा फिनिश होने में 2 से 3 मिनट काफ़ी है। दोस्तों मूवी तुम्बाड़ में डायरेक्टर राही अनिल सभी सीन को एक ऑथेंटिक टच देना चाहते थे, जिसके लिए मूवी की हर सीन को रियल प्लेस इवन नेचुरल वेदर में शूट किए थे। मूवी में दिखाए गए सभी रेनी डे की सीन को असली रेन में शूट करी गई, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम था, यह कि हैवी रेन में शूट करने के लिए विजुअल तो ठीक ठाक आता था बट ऑडियो काफ़ी अनक्लियर था, जिसके लिए उसे ठीक करने में अलग से डब भी करना पड़ता था। वैसे दोस्तों आपने अभी तक यह मूवी देखी या नहीं? अगर देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं एक और मेकिंग वीडियो के साथ।